नगर। तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं हमारी लैंप की चिमनी 6073 के बारे में, जो कि हमने 2.5 फीट में लगाई हुई है। सेम चिमनी का साइज जो है आपको 2 फुट, 2.5 फुट और 3 फुट, तीनों ही साइजेस में मिल जाता है। आप एक बार ये चिमनी को देख सकते हैं। चिमनी का जो पूरा फ्रंट पैनल है ये ग्लास का बना हुआ होता है, और जो इसके नीचे आपको मिलती है वो ऑयल कलेक्टिंग ट्रे होती है, जिसका भी साइज आप देखोगे काफी ज्यादा बड़ा है। ये काफी ज्यादा स्टोरेज कर सकती है अपने अंदर, तो ये इजीली निकल जाती है और इजीली ही आप इसको लगा सकते हैं। ये ऑयल कलेक्टिंग इंडिकेटर है जो आपको दिखता है कि आपके ऑयल कलेक्टर में कितना ऑयल भर चुका है। आप इसको देखेंगे, ये ऑयल कलेक्टिंग इंडिकेटर है, इसके अंदर कितना ऑयल भर चुका है आपको दिख जाएगा इजीली। तो अब इस चिमनी को ऑपरेट कैसे करते हैं, सेम ये चिमनी भी आप टच और मोशन दोनों तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। आप इसका पैनल देखेंगे, काफी ज्यादा बड़ा पैनल और डिजिटल पैनल है, जो कि आपको काफी ज्यादा कन्वीनियंट होगा चिमनी के फंक्शंस और फीचर्स देखने में। तो सबसे पहले हम चिमनी को बाय मोशन ओपन करते हैं। ये इस तरीके से ओपन हो जाती है, ये आप इसका इनेबल ये देखेंगे, हाइड्रोलिक डोर दिया हुआ है इसके अंदर। ये अभी चिमनी स्पीड 3 पे है, इसके अंदर 9 स्पीड्स मिलती हैं आपको चिमनी के अंदर। या आप इसकी मोटर देखेंगे तो ब्रशलेस डीसी मोटर है इसका, तो इसको आप बीएलडीसी बोलते हैं, बीएलडीसी मोटर भी। अब सबसे पहले इस चिमनी को हमने मोशन से ऑन करा था, अब हम इसको मोशन से ही बंद करेंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे इसकी स्पीड 2 हो गई है, फिर इसकी स्पीड 1 हो जाती है, देन इसके अंदर टाइमर लग जाता है। ये इसके अंदर 3 मिनट का टाइमर लग गया। इंस्टेंटली बंद करने के लिए आप इसको दोबारा एक बार हाथ घुमा देंगे तो ये चिमनी बंद हो जाती है। तो अब देखेंगे चिमनी को ऑपरेट करना काफी ज्यादा इजी और आसान है। अब हम इसको बाय टच ऑपरेट करते हैं। बाय टच हमने ऑपरेट करा तो अभी चिमनी हमारी ओपन हो गई है। अब हमें स्पीड जितनी करनी है हम उतनी स्पीड इस चिमनी की बढ़ा सकते हैं। जैसे आप देखेंगे आपको स्पीड 8 दिख रहा है, इसी को ही हम कम करके स्पीड 1 पे भी ला सकते हैं। और ये जो पैनल आपको दिख रहा है, ये जो टच बटन आपको दिख रहा है, अगर मैं इसको दबाता हूं तो हमारी चिमनी ऑटोमेटिकली हाई स्पीड मोड पे चली जाती है। ये हमारी चिमनी हाई स्पीड मोड पे चली जाएगी, ये स्पीड 9 इसका हाई स्पीड मोड ऑन हो चुका है। तो आप सेम इसको प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, इस बटन को दबाते ही आपकी चिमनी हाई स्पीड मोड पे चली जाती है। तो अब मैं आपको इसका एक बार पैनल का रिव्यू दे देता हूं कि जैसे आप देखेंगे ये आपको स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन मिलता है, ये आपको स्पीड कम करने का ऑप्शन मिलता है, ये आपको टॉप स्पीड पे सिंगल टच पे जाने का ऑप्शन मिलता है। आप डायरेक्टली टॉप स्पीड पे जा सकते हैं। ये सक्शन शो करता है कि आपकी चिमनी कितनी आरपीएम पे चल रही है, कितना आपकी चिमनी का सक्शन शो हो रहा है। ये टाइमर मिलता है आपको, आप इसको अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो है ये लाइट्स का ऑप्शन है, आप नीचे देखेंगे चिमनी की लाइट्स ऑन हो चुकी है, ये आपको दिख रही होंगी 2 1.5 वॉट की एलईडी लाइट्स हैं इसके अंदर, चिमनी की लाइट्स ओपन हो जाती हैं। सेम ये टाइमर का ऑप्शन है, एंड देन आप चिमनी को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब हम चिमनी का टाइम सेट करते हैं। काफी लोगों को चिमनी का टाइम सेट करने में परेशानी आती है, तो अब हम चिमनी का टाइम कैसे सेट करते हैं। सबसे पहले ये जो छोटी घड़ी बनी हुई है आप इसको प्रेस करके रखेंगे तो जो हमारी घंटे, जो हमारी आवर्स वाली घड़ी है, अब हम उसका टाइम सेट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी हमारे पास 14 बज रहे हैं, 14 बजे हुए, ठीक है। तो अब हम इसको 14 कर देंगे और जो उसके बाद हम इसको प्रेस करेंगे तो हमारा मिनट्स वाला टाइम आ जाता है, तो हम इसमें 14:20 कर देते हैं। तो ये 14:20 अब सेट हो चुका है। तो जब भी मैं चिमनी को चालू या बंद करूंगा हमारी चिमनी 14:20 के अकॉर्डिंग टाइम अपना ऊपर नीचे करती रहेगी। जैसे अभी 14:20 थे, अब मैं इसको ऑन करता हूं तो आप इसका टाइम देखेंगे 14:20 या 21 मिनट हो चुका होगा। ये अभी 945 सेक्शन है स्पीड 3 पे, अगर आप जैसे जैसे इसको बढ़ाते जाएंगे चिमनी का सेक्शन बढ़ता जाता है। अभी इसके अंदर टाइम शो हुआ, जैसे मैं इसका स्पीड कम करता हूं तो इस तरीके से ये 825 सेक्शन पे आ गई। अब मैं इसको बंद करता हूं तो ये चिमनी आपकी बंद हो जाती है। थैंक यू सो मच।